सरकार के काम में वोट डालने की सरकार हमारी राजस्थान सरकार में वोट डालने के काम कर रही है। जहाँ नरेंद्र मोदी नहीं वहाँ ईडी सीबीआई, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सत्ता गलत हाथों में, ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। बीजेपी को बस यही है, जो काम कर रहा है उसको कैसे रोके। नरेंद्र मोदी जी इन 5 राज्य के चुनाव में हार रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, पुलिस उनको रोक रही है, लोग बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। ईडी और सीबीआई से कुछ होने वाला नहीं है, जनता ने अपना मन बना लिया है, जो मन बन चुका है। जहां सत्ता डगमगाती भी नजर आती है केंद्र सरकार को, वहां के ईडी भेजी जाती है। कश्मीर संभल रहा ना, मणिपुर संभल रहा ना, रुपया संभल रहा ना, इकोनॉमी संभल रही, और अब वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। ये तो वक्त बताएगा, 2024 में जनता फैसला करेगी कि कौन झंडा फहराएगा। चुनाव आते ही ईडी का जो इस्तेमाल करने लग गए हैं, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। इससे 5 साल कहां सोए रहते थे, कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कोई इस सरकार ने काम करने का काम नहीं किया है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, इससे छुटकारा चाहती है, आने वाले चुनाव में बदलाव चाहती है। नमस्कार, मैं नूर जौहर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ IYC में। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोग कैसे ईडी के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप पोस्टर ही देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर पे लिखा हुआ है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, तो उसी के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है, जो जब बीजेपी डरती है तो नारेबाजी करती है और ईडी को आगे करती है। जिस तरीके से जो लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं, ईडी को भेज दिया जाता है, तो उन्हीं को लेकर हम इधर से बातचीत करते हैं लोगों से। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी बार बार जब भी डरता है ईडी को आगे करता है, उस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है, उनसे सरकार बौखला चुकी है, हार को देखकर वो आनन फानन में ईडी से दबाव बना रही है। जनता को जो जनादेश है उससे घबरा गई है, और वो सोच रही है कि ईडी के दम पे इस जनादेश को बदल देगी। ये जनादेश बदलने वाला नहीं है, जनता ने मन बना लिया है, और वहाँ कांग्रेस की 5 राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। लेकिन जो भी मोदी के खिलाफ जाता है उसको तो ईडी वाले उठा के ले जाते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता? ईडी को अपनी एक पार्टी के एक पन्ना प्रमुख की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी विपक्षी दल आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना, वो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ये तो वक्त बताएगा, 2024 में जनता फैसला करेगी कि कौन झंडा फहराएगा। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि जनता फैसला करेगी कौन यहाँ कौन झंडा फहराएगा, सर मोदी जी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं आप लोग, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम बीजेपी की जो कुरूति है, जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है बेवजह विपक्षी दलों को परेशान करिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन वो तो भ्रष्टाचारियों को हटा रही है ना। ये तो चुनाव आते ही ईडी का जो इस्तेमाल करने लग गए हैं, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। इससे 5 साल कहां सोए रहते थे, ये सिर्फ विपक्षी दलों को परेशान करने की साजिश है। ईडी को एक प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जहाँ चाहे विपक्षी दलों को परेशान करते रहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को परेशान करते रहते हैं, आपको नहीं लग रहा 9 साल से कुछ काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कोई इस सरकार ने काम करने का काम नहीं किया है। कहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, इतनी योजनाएं नहीं चलाई है? बिल्कुल, आपको मैं ये कह रहा हूँ, किसी को दिखने बेरोजगारी इतनी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आप ये बताइए, जो भी विपक्षी दल का नेता आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड कर दी जाती है। मैं कह रहा हूँ, मिलता कुछ नहीं है 5 सालों में, किसी भी विपक्षी दल के वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ये चुनाव में परेशान, विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए। लेकिन आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। ईडी और सीबीआई से कुछ होने वाला नहीं है, जनता ने अपना मन बना लिया है, जो मन बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत ही हावी है। मैम, क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के खिलाफ, इतना काम कर रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी काम कर रही है, आप राजस्थान में देख सकते हैं क्या काम हुआ है, राजस्थान ने कितना काम किया हुआ राजस्थान सरकार ने। बीजेपी को बस यही है, जो काम कर रहा है उसको कैसे रोके, क्यों? क्योंकि राजस्थान में अच्छा, हमारा कांग्रेस ने बहुत अच्छा, एक बात बताइए, 500 रुपए का सिलेंडर आप बताइए पूरे इंडिया में किस जगह मिल जाए? हाँ, तो महंगाई कम कर दी है ना। एक बात बताइए, 200 रुपए कम करके तोहफा दिया था, सिर्फ एक तोहफा दिया गया,
का तो नहीं करा ना, वहाँ पे मिल रहा है सिर्फ राजस्थान में मिल रहा है 500 रुपए का सिलेंडर। महिलाओं को कहाँ पर राहत है? एक बात बताइए, जहाँ सत्ता डगमगाती भी नजर आती है केंद्र सरकार को, वहाँ वो ईडी जी सब जानते हैं कि बिना सबूत के ईडी भेजी जाती है, बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है। बताइए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार सरकार काम करे ना, सरकार जनता की सुने, सरकार हमारे मोदी जी मणिपुर जाके सुने ना क्या हो रहा है मणिपुर में। सरकार भ्रष्टाचार कम कर रही है। भ्रष्टाचार कहाँ से कम हो रहा है? एक बात बताइए, स्विस बैंक में जहाँ कितने थे 22,000 करोड़ थे, 39,000 करोड़ हो गए, कहाँ है सरकार बताइए। आपको नहीं लग रहा सरकार को आप ऐसे दखल अंदाजी कर रहे हैं सरकार के काम में? जी सरकार के काम में भंग डालने वाला काम कर रहे हैं। हम सरकार के काम में भंग डालने की, सरकार हमारी राजस्थान सरकार में भंग डालने के काम कर रही है। बताइए, उस तरीके से लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि मोदी जब भी डरता है ईडी कर रही हूँ, और जब जब भी चुनाव आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हुए, राजस्थान हुए, झारखंड हुए, हर जगह जब चुनाव आते हैं, नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई को भेजते हैं, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी नहीं वहां ईडी सीबीआई। ये दर्शाता है, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सत्ता गलत हाथों में, आज सत्ता। अरे भाई सुनो, अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है जो जांच से घबरा जाएंगे, वो उनमें लिपते हैं उनके अंदर। भाई ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप ये बताइए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सरकार है वह 500 रुपए का सिलेंडर है, क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने कहा था सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते वो भ्रष्टाचारी है, उस कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए, ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपए किलो हुए हैं अभी? सोचिए, ये जनता समझ रही है कि जहां कुछ ना चले वहां ईडी सीबीआई चले। ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई है उसके पीछे का खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। नरेंद्र मोदी जी इन 5 राज्य के चुनाव में हार रहे हैं। सोचिए ना, कश्मीर संभल रहा, ना मणिपुर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही, और अब वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। सरकार तो कहते हैं काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या काम कर रही है? आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, महंगाई को कम किया क्या? बेरोजगारी को कम किया? युवाओं को रोजगार दिया? बताइए, सिलेंडर टमाटर को मुद्दा बनाया था, प्रदर्शन किए थे, कम तो कर दिया। सुनिए, मुझे बताइए सिलेंडर कितना कम किया? क्या जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में 500 रुपए के सिलेंडर से क्या इन्होंने कम कर दिया? बताइए आप। जी नहीं, ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आज अशोक गहलोत जिसे घबराए हुए हैं, इसलिए सीबीआई का छापा लगा रहे हैं। सुनिए, हम जांच से मैं कहना चाहता हूँ, हम जांच से नहीं डरते। आप सोचिए देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि बार बार जब भी मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, और कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा है 9 सालों में, तभी ये लोग प्रदर्शन पे उतर आए हैं, और हमेशा दूसरी पार्टियों को ये लोग ऐसे पहुंचाते ही नहीं को हम देखते हैं ये लोग किस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस यहाँ इन्हें रोक रही है, बैरिकेड लगा दिए हैं, इनको आगे नहीं जाने दे रही है, क्योंकि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग पुलिस है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उन्हें आगे जाने भी नहीं दिए जा रहा है। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि और मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि
कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा है 9 सालों में आके। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं फिर 2024 में? देखो 2024 में बदलाव है, ये सेमीफाइनल है, 5 राज्यों में बीजेपी चाहे कितना जोर ईडी सीबीआई के उस पर लगा ले, तस्वीर बदलने वाली नहीं है। लोगों ने मन बना लिया, भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। तो आने वाले 5 स्टेट में जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस की पूछ 5 राज्यों में। अफगानिस्तान में भी तो राहत पहुंचाइए लोगों को। देखो अफगानिस्तान में जिस फिलिस्तीन का ये विरोध कर रहे थे आज उस फिलिस्तीन को वो कर रहे हैं। अगर कांग्रेस फिलिस्तीन के फेवर में बोलती है तो वो गद्दार हो जाती है, देशद्रोही हो जाती है, और जब खुद वहाँ राहत पहुंचा रहे हैं तो अब इनके मुंह में दही जम गया, अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सब सोची ध्यान भटकाने की, बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, इससे छुटकारा चाहती है, आने वाले चुनावों में बदलाव चाहती है। इस तरीके से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ होगा फायदा इससे आगे? बिल्कुल, हम उन जनता गरीब जनता की आवाज़ है जो इस सरकार के साथ मतलब मुखर होकर बोलना चाहती है, उसकी आवाज़ बन के हम बोल रहे हैं। और आने वाले वक्त में देखना बदलाव होगा और कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार। तो जिस तरीके से आपने देखा लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लोगों को जाने से रोका जा रहा है, लोग चढ़ गए हैं बैरिकेड के ऊपर और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं पुलिस उनको रोक रही है, लोग बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। तो और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव है पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी और 2024 में भी कांग्रेस ही आएगी, आप लिख के ले लीजिए। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे जनता आवाज़।